नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। भारत जोड़ो यात्रा आप बखूबी तरीके से देख रहे हैं कि आज आठवां दिन है। राहुल गांधी इसकी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसको कैसे नाकाम साबित किया जाए, कैसे इसका भंडा फोड़ा जाए, उसके लिए कभी टी शर्ट तो कभी कुछ तो कभी कुछ पे बातचीत हो रही है। इस बीच में हम बात करना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कि किस तरीके से झूठ पे झूठ पसोरे जा रही हैं, राहुल गांधी को लेकर तो कभी अपनी बेटी को लेकर। दो झूठ का हम पर्दाफाश करना चाहते हैं इस वीडियो में, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि बीजेपी इसको लेकर कभी भी खड़ा हो सकती है। हम आपने देखा कि किस तरीके से सबसे पहले 31,000 के टी शर्ट पे बवाल मचा, उसके बाद हमारा आपने ये भी देखा कि किस तरीके से स्मृति ईरानी को लेकर पूरा कोई भी बीजेपी इस पर खड़ी होते हुए नज़र नहीं आए, और हम आपने ये भी देखा कि कैसे जो है खास करके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आग बबूला होते नज़र आई, बौखलाते नज़र आई, और ये समझ में आ गया कि दरअसल वो चाहती क्या हैं और वो करना क्या चाहती हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपने झूठ क्या बोला, जब कांग्रेस के तरफ से पवन खेरा साहब, जय रमेश साहब, उन्होंने जब आरोप लगाया कि भाई किस तरीके से स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट बार चलाती हैं, लेकिन उन्हें मिर्ची लग गई, उन्हें ख़राब लगी, नहीं भाई मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, और उसके बाद वो आई बोली भाई हम कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में घसीटेंगे, और फाइनली उनका झूठ तब साबित हो गया। और ये चीज़ हम सबको संसद में भी देखा, क्योंकि वो बौखलाते नजर आई, वो हंगामा करते नज़र आई, ये चीज़ हम सबको देखने को मिला, और फाइनली उनका झूठ तब पकड़ा गया जब RTI का एक रिपोर्ट आता है और RTI कहता है कि 75% स्मृति ईरानी के पति का हिस्सा है, वो किस में है, गोवा के बार रेस्टोरेंट में। आप समझ सकते हैं कि पहला झूठ यहाँ गया। उसके बावजूद बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक चुप्पी साधी हुई है, और खबरें ये भी आ रही हैं कि अब कैबिनेट से उनका पत्ता साफ होने वाला है। 2000 चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी का खेल खत्म होने वाला है। आप दर्शकों को ये भी बता दूं कि उसके बाद जब राहुल गांधी का अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है तो उस पर 41,000 के टी शर्ट पर हंगामा मच गया। पीएम मोदी साहब, आप भी लाखों का कपड़ा पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, क्या कभी उस पर राजनीति हुई है क्या? तो आज मुद्दों से कैसे भटकाना है ये बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जान रहा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहे स्पेन 9 न्यूज़। नमस्कार।